नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली के बारे में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि किसानों का कारवा दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आज भी कई किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं अपने अपने ट्रैक्टर्स लेकर। लेकिन अभी तक भी किसान रैली कहाँ होगी, ये ट्रैक्टर परेड कहाँ पर होगी, इसका कोई रूट निर्धारित नहीं हुआ है। कई किसान नेताओं का ये दावा है कि पुलिस ने इसकी इजाजत तो दे दी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो अभी किसानों के लिखित रूट का इंतजार कर रहे हैं जो लिख के देंगे किसान कि हम इस रूट से होते हुए जाएंगे, ताकि पुलिस उस हिसाब से कानून व्यवस्था का इंतजाम कर पाए। सवाल यह है कि क्या किसानों के ये ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली के सड़कों पर दौड़ते दिखाई देंगे या फिर आउटर दिल्ली के आसपास दौड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि खबर यही है कि दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहती दिल्ली पुलिस। सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की ट्रैक्टर परेड पर सहमति वाकई बन चुकी है, जो कुछ नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब शनिवार को तब ढूंढा जा रहा था जब किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। मुद्दा था 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड का। देर शाम किसान नेताओं ने दावा किया कि सहमति बन चुकी है और 26 जनवरी को किसान दिल्ली के सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाते दिखाई देंगे। वहीं स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड होगी और इसके लिए फाइनल रूट सुबह तक मीडिया को बता दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर हमने यही प्लान तैयार किया है कि दिल्ली के अंदर हम जाएंगे और कुछ रूट निश्चित किए गए हैं, उस पर सहमति बन गई है, बैरिकेड जो है वो हटाए जाएंगे। किसान परेड के बारे में यादव ने यह भी कहा कि 26 जनवरी के दिन दुनिया में हमारी ग्लोबल ऑडियंस होगी और ट्रैक्टर पर झांकी की ऊंचाई ट्रक से ज्यादा नहीं होगी, जो झांकी बनाई जाएगी वो ट्रक से ज्यादा ऊंची नहीं होगी। ट्रैक्टर रैली का कोई रूट अभी साफ नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कितने ही हजारों ट्रैक्टर्स इस रैली में शामिल हो सकते हैं। और ये भी दावा किया है कि बैरिकेड दिल्ली पुलिस वहां पर खोल देगी और हम फिर आगे जाएंगे, हमारा ये जो कारवां है ये अब रुकेगा नहीं। लेकिन आपको बता दें 50 ट्रैक्टरों का जत्था जो है वो अमरोहा से रवाना हो चुका है। ऐसे ही अलग अलग जगहों से बहुत सारे ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी, शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। और देखना यही होगा कि क्या रूट निर्धारित होता है और साथ ही साथ कितने ट्रैक्टर इस परेड में हिस्सा बनते हैं। जो भी अपडेट होगी फिलहाल आपको बताएंगे। और कैसी लगी ये खबर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।